हेलो दोस्तों, टेक्नोरोज में आप लोगों का स्वागत है। और आज की डेट में शुरू करने से पहले आप लोग को बता रहे थे कि मैं यहाँ पे अलीगढ़ में एक मीटअप रखने वाला हूँ दिस संडे। काफी सारे लोग मुझे बोल रहे थे, तो इस संडे के दिन मैं जो वो नकवी पार्क अगर आपको पता होगा अलीगढ़ में है, तो 4 से 6 बजे के बीच में मैं आप लोग को वहाँ पे मिलने वाला हूँ। आने वाले दिनों के अंदर मैं आप लोग को उसके ऊपर एक अच्छा अपडेट दे दूंगा। कम्युनिटी में इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे मुझे फॉलो कर लीजिए और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज की डेट में जो वो शुरू करते तो पहले खबर की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे खास दोस्त Xiaomi से। जी हाँ, यहाँ पे हम सभी लोगों को पता है कि रिसेंटली Xiaomi ने Redmi 5 जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है और ये जो स्मार्टफोन है अब इसकी पहले सेल पे जाएगा 20 मार्च को, यानी कि कल। Amazon से और Xiaomi की Mi.com से आप इसको जाके परचेस कर सकते हैं। लेकिन इस बार खास बात यह है कि Xiaomi ने यह कहा है कि इस बार Xiaomi का जो Redmi 5 होगा उसकी क्वांटिटी होगी 4 लाख। 4 लाख फोन जो वो सेल पे जाएगी 20 तारीख को। मुझे नहीं पता Amazon पे लोग को मिलता है नहीं मिलता है। यहाँ पे अब जब Xiaomi ने ये ट्विटर पे ट्वीट किया था तो उसके नीचे बहुत सारे लोग ने उनको हमेशा की तरह ट्रॉल किया था। अब ये मैं नहीं करता हूँ, मैं अपनी मनमानी तो नहीं करता हूँ, ये आप ही लोग हो जो अपने फीडबैक Xiaomi को देते हैं। लेकिन इस पर भी Xiaomi काम नहीं करता है, सोल्ड पे सोल्ड कर रहा है, सोल्ड पे सोल्ड कर रहा है। भले ही वो सोल्ड हो ही जाते होगी 4 लाख, पर वो जाते ऑफलाइन, वहाँ से जाते हैं वो ब्लैक मार्केटिंग, यानी कि वही होता है। तो इस पर कोई चीज़ Xiaomi काम नहीं कर रहा है हम सभी लोगों की सेल इंप्रूव करने के लिए। वहाँ पे लोगों ने कहा कि Redmi Note 5 Pro को लाओ, लेकिन हमको Redmi Note 5 नहीं चाहिए, बहुत ही अजीब सा ये फोन उन्होंने लेके आया था। ये मेरी ओपिनियन है, बाकी इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ जो नहीं कहना है। तो Lenovo का S5 हम सभी लोगों को कल जो वो देखने को मिलने वाला है, यानी कि 20 मार्च को ये स्मार्टफोन जो ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। अब यहां पे स्मार्टफोन के अंदर कुछ और पिक्चर जो, यानी कि कुछ पोस्टर जो सामने की तरफ आई है, जहां पे इसके अंदर बता दे रहे कि आप लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलेगा। हालांकि ये सपोर्ट सिर्फ सपोर्ट तक नहीं है, बल्कि इसका जो OS होगा उसके अंदर भी आप लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलेगा। इसके अंदर आप लोग को जूई OS 3.5 का जो वो सपोर्ट मिलेगा, एंड्रॉइड ओरियो पे बेस्ड होगा, और भी आपको इसमें काफी सारे फीचर्स जो वो देखने को मिलेंगे। लॉन्ग लास्टिंग बैटरी होगी, काफी पावरफुल सा फोन होगा, काफी स्लिम होगा और मेटालिक चेजेस से ये बनाया जाएगा, यानी कि काफी अच्छा फोन ये लेके आ रहे। बस बात हो रही है यहाँ पे इसकी प्राइसिंग जो वो क्या होगी, क्योंकि प्रीवियसली इस कंपनी ने क्लेम किया था कि Xiaomi Redmi Note 5 का जो वो किलर होगा। अगर ऐसा है तो देख लेते कि 20 तारीख को Lenovo का S5 हमारे लिए इस बार जो वो क्या लेके आता है। तो ओप्पो ने फाइनली अपना R15 और R15 ड्रीम मिरर एडिशन जो वो आज लॉन्च कर दिया है। सरप्राइजिंगली हमें ऐसा लग रहा था कि 31 मार्च को ये वाले स्मार्टफोन आएंगे, लेकिन आज उन्होंने लॉन्च कर दिए। और यहाँ पे आप लोग को ये जो स्मार्टफोन आए काफी प्रॉमिसिंग है, फीचर्स भी काफी अच्छे आपको मिलते हैं। 3 अलग अलग आपको वेरिएंट में मिलता है। R15 आपको एक बेस वेरिएंट मिलता है 30,000 रुपए का, R15 ड्रीम मिरर एडिशन आपको 33,000 रुपए मिलता है, और R15 का एक आपको सेरेमिक बॉडी वाला मिलता है जो 35,000 रुपए का आपको मिलता है। कलर्स भी काफी आपको इसके अच्छे जो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सब कुछ आपको सिमिलर ही मिलता है, कुछ प्रोसेसर में और कुछ कैमरे में यहाँ पे जो वो चेंजेस किए गए। R15 में आप लोगों को दोनों सबके अंदर आपको यहाँ पे जो 6.28 इंच की एक फुल HD प्लस की OLED की डिस्प्ले मिलती है, जो कि आपको एक नॉच देता है। साथ में आपको 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, 19:9 का आपको जो एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, बहुत ही पावरफुल आपको डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे आप लोग इसके अंदर जो 6 GB की रैम, 128 GB की आपको स्टोरेज मिलती है। R15 में आप लोग को हीलियो का P20 वाला प्रोसेसर मिलता है जो कि 12 nm पे बनाया गया है, और जो R15 ड्रीम एडिशन मिरर वाला जो भी है उसके अंदर आप लोग को स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर मिलता है। यहाँ पे कैमरे की बात करें तो दोनों के अंदर आप लोग को डुअल रियर फेसिंग वाले कैमरे मिलते हैं। एक में आपको यहाँ पे R15 में आपको 16 MP का कैमरा मिलता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कैमरा है। आपको F1.7 का एपर्चर मिलता है, और जो सेकेंडरी कैमरा है इसके अंदर आप लोग को 5 MP का मिलता है। वहां पे जो R15 ड्रीम मिरर एडिशन उसके अंदर आप लोग को जो एक 16 MP का प्राइमरी कैमरा सेम मिलता है, और साथ में आपको एक 20 MP वाला भी जो वो कैमरा देखने को मिलता है। दोनों में आप लोग को 20 MP की सेल्फी कैमरे मिलते हैं, F2.0 का एपर्चर है, लेकिन ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कैमरा है। साथ में आपको यहां पे R15 के अंदर 3450 mAh की मिलती है, तो R15 ड्रीम मिरर एडिशन में आपको 3400 mAh की जो वो बैटरी देखने को मिल जाती है। यहां पे इसके अंदर आप लोग को VOOC का जो वो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। फोन काफी प्रॉमिसिंग है, प्राइसिंग मुझे लगता है कि देखते हैं इंडियन मार्केट में क्या प्राइस के हिसाब से आएगा। हालांकि प्रीवियसली R13 तो हमें देखने को मिला नहीं था, तो हमें लगता है कि ये भी आएगा, लेकिन फोन काफी पे आप लोगों को देखने को अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एप्पल की तरफ से खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि एप्पल यहाँ पे अपनी खुद की जो वो डिस्प्ले बनाना शुरू कर रहा है, यानी कि माइक्रो LED स्क्रीन। ये बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की डिस्प्ले होती है जो OLED से भी ज्यादा आपको अच्छी मिलती है। इसकी क्लैरिटी इतनी अच्छी होती है और यहाँ पे डिस्प्ले लेस पावर कंज्यूम करता है। ये कुछ इस तरीके की हाई क्वालिटी की डिस्प्ले, आफ्टर OLED अगर कोई बेस्ट डिस्प्ले मिलता है तो आपको माइक्रो LED स्क्रीन है। यहाँ पे एप्पल ने सीक्रेटली यानी कि उनकी एक मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है वहां पे कैलिफोर्निया में काम करना शुरू कर दिया है, और एप्पल पहली बार अपनी खुद की डिस्प्ले बनाएगा जिसके अंदर माइक्रो LED वाली स्क्रीन होगी अपने फोन्स के अंदर। और इसको हालांकि 2-3 साल लग जाएंगे, जो भी आईफोन्स आएंगे फ्यूचर में आप लोगों को इस तरीके की डिस्प्ले क्वालिटी मिलेगी। आप एप्पल को जिस तरीके का अच्छा काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली जब डिस्प्ले इस तरीके की डालेगा तो फोन भी और ज्यादा एक्सपेंसिव हो ही जाएंगे।
वैसे तो आते ही थे। तो देख लेते कि एप्पल अपने माइक्रो एलईडी स्क्रीन वाले डिस्प्ले वाले फोन कितना जल्दी हमारे लिए जो लेके आता है। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया था कि आईटेल अपने कुछ बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन्स इंडिया के अंदर जो वो लॉन्च कर रहा है, और अब यहाँ पे उसकी एक ऑफिशियल डेट जो वो सामने आ चुकी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईटेल जो अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगा वो 20 मार्च को करेगा इंडिया के अंदर, यानी कि कल ये स्मार्टफोन लॉन्च हो गए और मीडिया को इन्विटेशन भेजना भी जो शुरू कर दी गई है, यानी कि ये स्मार्टफोन हमें कल देखने को मिल सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को कल इसका अनबॉक्सिंग देने की भी कोशिश करूंगा। देख लेते हैं इस बारे में कुछ। मुझे काफी खुशी है कि आईटेल ने जो प्रीवियसली फोन्स आते थे बिल्कुल भी खुश नहीं रहता था, लेकिन अब यहाँ पे आईटेल ने काफी अच्छा काम किया अगर मैं उसके प्रीवियस फोन से कंपेयर करूं। तो ज्यादा टाइम हम देखते नहीं है दूर ज्यादा टाइम, और कल आप लोगों को इसका अनबॉक्सिंग भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सभी लोगों को ऐसा लगता है कि जो आईफोन हम यूज करते हैं ये बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी प्रोन है और इसको इतनी आसानी से जो वो हैक नहीं किया जाता है। यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूं कि एक कंपनी है ग्रे शिफ्ट के नाम से, उनका एक ऐसा डिवाइस है ग्रे की, जो यहाँ पे बता रहा है कि आईफोन 10 जो कि लेटेस्ट iOS का वर्जन उसमें चल रहा है, इसको आसानी से उसने जो वो क्रैक कर दिया था। आप देखेंगे ये एक मशीन है जहां पे उसके अंदर जो केबल्स लगे हुए जिसके जरिए आप अपने आईफोन को उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, और सिर्फ इसको 2 मिनट कनेक्ट करना है, उसके बाद आप उसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे। ये डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उसके बाद ये आसानी से आईफोन को क्रैक कर देता है। उसके पासवर्ड आप देखेंगे पिक्चर लीक हुई है सामने आई है जिसके अंदर उसके पासवर्ड भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आईफोन उस डिवाइस में कनेक्ट करो और वो आसानी से इसको जो क्रैक कर देता है। अब ये जो मशीन है बताया जा रहा है कि इसकी जो प्राइस है लगभग से 10 लाख रुपए के आसपास है, और एक हायर वेरिएंट भी आता है जिसके अंदर आप लोग 19 लाख रुपए का ये डिवाइस मिलता है। इसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन की जो जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे टिम कुक ने प्रीवियसली ये स्टेटमेंट दिया था कि एप्पल की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा मजबूत है कि हम कंपनी भी उसको जो क्रैक नहीं कर सकते अगर यूजर नहीं चाहे जब तक वो अपनी चीजों को शेयर करना तब तक। तो ये एक चीज सामने आई है कि एप्पल की डिवाइसेस भी यहाँ पे आसानी से क्रैक किए जा रहे हैं, एक ऐसी कंपनी जिसने यहाँ पे ये भी जो साबित कर दिया है। तो एंड्रॉइड पे हम सभी लोगों को जो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, सिर्फ देखने को ही मिलेगा क्योंकि यूज करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी तक ही काफी स्मार्टफोन्स में एंड्रॉइड ओरियो देखने को नहीं मिला है। अब जो एंड्रॉइड पी आने वाला है उसके अंदर एक और ऐसा फीचर आएगा जहां पे जो भी प्रीवियसली एप्लीकेशंस थे जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते थे एंड्रॉइड 4, 5 जो भी होगा, अब से वो सारे एप्लीकेशंस आप एंड्रॉइड पी के अंदर अगर इंस्टॉल करते हैं तो शायद से आप इसको ओपन नहीं कर पाएंगे। एंड्रॉइड यानी कि जो गूगल है इसको जो ब्लॉक कर देगा। गूगल ये चाहता है कि जितने भी जो पुराने एप्लीकेशन है वो चाहे तो वो अपडेट हो जाए एंड्रॉइड पी के यूज के लिए, एंड्रॉइड ओरियो या उसके अबव वर्जन के यूज के लिए, या अगर वो अपडेट नहीं करते तो वो फिर एकदम से ब्लॉक हो जाएगी या फिर डिसेबल हो जाएगी। जो डेवलपर्स अगर वो अपडेट करते हैं एंड्रॉइड पी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उसको जो ब्लॉक किया जाएगा। तो ये कुछ सिक्योरिटी पर्पस के लिए और परफॉर्मेंस के लिए गूगल ने कहा कि हम इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो ये कुछ एक नया फीचर है एंड्रॉइड पी के अंदर में शायद से जो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप रेडमी नोट 4 यूज कर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पे एक अपडेट आया होगा सीक्रेटली, यहाँ पे जो पुश हो रहा है ये अपडेट जो कि MIUI 9.5 का है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि आप लोग को बहुत सारे यानी कि बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ में एक और फीचर होगा जो कि नोटिफिकेशन शेड का होगा, जहां पे आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन पैनल से आप किसी को भी रिप्लाई कर सकते हैं बिना उस एप्लीकेशन में घुसे। तो ये अपडेट सीक्रेटली रोल आउट किया जा रहा है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी कि और कौन से डिवाइसेस में आएगा, लेकिन अब Xiaomi का Redmi Note 4 यूज करते हैं तो आप लोग को ये अपडेट बहुत जल्दी मिल जाएगा, मतलब मिल चुका है कुछ लोगों को, बाकी लोगों को भी जो वो मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे WhatsApp यूज कर रहे हैं, अगर आप WhatsApp का UPI पेमेंट फीचर यूज नहीं कर रहे तो आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली एक अपडेट आया था जहां पे आपको यूजर जब आपसे WhatsApp में बात करता है तो जरूरी नहीं कि आपके साथ वो चैट करे तो ही आप उसको पैसे भेज सकते हैं। UPI कोड ID उन्होंने अलग से फीचर लाया था, वो भी आप डायरेक्टली टाइप करके WhatsApp में जाके उस पर्सन को पैसे भेज सकते हैं। अब यहाँ पे बता दे रहे कि WhatsApp में जो UPI से आप पैसे भेजते हैं वो आप दिन के अंदर 20 लोगों को जो वो पैसे भेज सकते हैं, लगभग से 1 लाख रुपए तक आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि जो 1 लाख का जो लिमिट है वो गवर्नमेंट की तरफ से WhatsApp की तरफ से नहीं है। तो दिन में आप 20 लोगों को आसानी से पैसे भेज सकते हैं। WhatsApp का UPI पेमेंट अगर आपने अभी तक यूज नहीं किया तो कर लीजिए, मेरा तो अलग टाइप का वर्जन है। तो यहाँ पे सोनी ने शुरू कर दी है अपने एक्सपीरिया के XZ2 कॉम्पैक्ट की प्री बुकिंग, जहां पे यूरोप के अंदर शुरुआत हुआ है और हमें नहीं पता कि इंडिया में ये स्मार्टफोन कभी आएगा, लेकिन काफी प्रॉमिसिंग से स्मार्टफोन है और प्राइसिंग भी इसकी जो वो सैमसंग S9 S10 प्लस के आसपास ही जो वो रखी गई है। इसके अंदर भी आप लोग को अच्छे खासे डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन के 845 वाले प्रोसेसर मिलते हैं। यहाँ पे जो यूरोप के अंदर इसकी जो प्री ऑर्डर की है वहां पे काफी अच्छी चीज उन्होंने रखी है। अगर आप इसको प्री ऑर्डर करते हैं यूरोप के अंदर तो आप लोगों को साथ में प्लेस्टेशन 4 भी फ्री मिलता है। आपको प्लेस्टेशन 4 ही नहीं बल्कि के VR पैक प्लेशन 4 के जो प्लस वाले जो सब्सक्रिप्शन है वो भी आपको उसके लिए मिलते हैं। वायरलेस स्पीकर्स हेडफोन्स वगैरह भी साथ में बंडल फ्री में दे रहा है, प्लेस्टेशन 4 फ्री में मिल रहा है अगर प्री बुक करते हैं तो ये सोनी ने काफी अच्छा खेल किया है यूरोप के अंदर। और अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में आते हैं और इंडिया के अंदर भी इस तरीके की हमें जो वो प्री बुकिंग वाले ऑफर देते तो काफी अच्छी बात है। तो अगर आप मुंबई में रहते हैं, अगर आपको ओला और उबर की सर्विस यूज करना है तो आप फिलहाल के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो ड्राइवर्स है वो यहाँ पे इनडेफिनेट स्ट्राइक पे चले गए हैं। उनकी यूनिटी जो है उसके तरफ से जहां पे जो ड्राइवर्स और जो चलाते गाड़ी उन्होंने ये बताया है कि जो रीजन है वो उनकी जो कॉस्ट वो कंप्लीट यानी कि पूरी नहीं कर पा रहे और कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो रहा है। तो ये
कुछ शायद से चाहते हैं कि उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए या कुछ और चीज़ें यहाँ पे चाहते हैं। तो 40,000 से ज़्यादा मुंबई के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड व्हीकल्स चलती है, जो कि कैब चलती है। अब उसको बहुत सारी दूसरी कंपनी ने भी सपोर्ट किया है। अब इस पर अभी तक का उबर और ओला ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनको काफ़ी नुकसान होगा और उनको अपने एम्प्लॉयज़ की बात जरूर से सुननी पड़ेगी। तो आज की लेट न्यूज़ यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद करता आपको आज की लेट न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ करता रहूँगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।